हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा इस प्रकार दर्शाई जाती है, किसी भी वर्ण के साथ यह मात्रा लगाने पर उस वर्ण की ध्वनि में ए का स्वर उत्पन्न होता है। जैसे क और ए की मात्रा के, प और ए की मात्रा पे, ब और ए की मात्रा बे, फ और ए की मात्रा फे। बोल बोल कर अभ्यास कीजिए। वेरी गुड। घ ए की मात्रा, वर घेवर, ता र ए की मात्रा तारे, र ए की मात्रा ल रेल, क र ए की मात्रा ला करेला, ग म ल ए की मात्रा गमले, स प ए की मात्रा रा सपेरा। लिखने का प्रयास कीजिए। जेल ताले, जेवर तेल, नेवला मेहनत। पढ़िए। तारे ताले, जाले बेल, हारे सारे, जेवर चेतन, घेवर खेत, वेतन देवर, मतवाले दिलवाले मेहमान, परेशान दरवाजे रखवाले। रेखा ने चाय पी, मेहमान आ गए, बेला ने बेर खरीदे, महेश के घर मेहमान आए, मेहमान केले लाए, महेश घेवर लाया, सबने घेवर और केले खाए, वे सब बड़े खुश हुए। एक सपेरा आया, उसके पास एक नेवला था, रेणु और रेशु ने नेवले का खेल देखा, रेणु ने उसे मेवे खिलाए, रेशु ने उसे पेड़े खिलाए। केले लेकर रेखा आई, मीठे आम साथ में लाई, नेहा अपनी सहेली के साथ मेला देख कर आई, अपने साथ जलेबी लाई। अभ्यास कार्य। इन शब्दों में सही स्थान पर ए की मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। ठेला रेल, केला सपेरा, घेवर करेला, लालटेन मेहमान, महादेव। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बेला ने मीठे सेब खरीदे, सपेरे ने बीन बजाई, कपड़े बदल करा, करेले कड़वे निकले, रेखा की सहेली जलेबी लाई। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने आज जो भी सीखा आपको समझ आया होगा और आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसमें निपुण हो सकें।